हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, माय फर्स्ट स्टड्स एंड माय फर्स्ट फुटबॉल का रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि ये मेरी फर्स्ट फुटबॉल और फर्स्ट स्टड्स नहीं है, बट द फुटबॉल क्लासरूम पे जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से ये मेरे फर्स्ट स्टड और ये मेरी फर्स्ट फुटबॉल है। और मैं आपको बता दूंगा, इन स्टड्स को तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये है ही नहीं। और ये देख सकते हो बॉल, जितने भी इनिशियल ट्यूटोरियल्स थे, हालांकि जो रोनाल्डो चॉप जिसपे 6 लाख व्यूज है, उस ट्यूटोरियल को मैंने इस स्टड से रिकॉर्ड किया था। अब देखते हो इसकी हालत क्या है, बट स्टिल दीज आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टड्स, आपको पता है किस लिए। और ये जो लोकेशन है, ये भी वही लोकेशन है जहाँ पे द फुटबॉल क्लासरूम स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। इन स्टड्स को तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। फरवरी 2020 में लिए थे, मेरे को याद भी नहीं था, इंस्टाग्राम पोस्ट से मेरे को याद आया, ठीक है। और इसके अलावा ये बॉल को कम से कम 1 साल तो हो ही गया है, बट स्टिल अभी मैंने इसमें कल हवा भरा और दिस इज़ रियली गुड। तो इसका मैं रिव्यू करूंगा और साथ साथ गाइस मैं आपसे इस वीडियो में ये शेयर करने वाला हूँ कि मैंने आज तक कौन कौन से फुटबॉल और कौन कौन से स्टड्स यूज़ किए हैं। और मुझे रिकमेंड करना लास्ट में कि मुझे अब नेक्स्ट स्टड्स और नेक्स्ट फुटबॉल कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट स्टड अगर किसी को लेने हो तो ये स्टड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, फर्स्ट बॉल अगर किसी को लेनी हो इन द लाइफ तो ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आपको इससे डिसाइड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो गाइस, ये जो स्टड्स थे ये मैंने लिए थे जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था 2020 में फरवरी में, और ये मेरे को पड़े थे 800 रुपये के। और अभी मैं घर आया हुआ हूँ और इन स्टड्स को यूज़ करके मैं अब भी खेल सकता हूँ, इतने सही है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे सकता है, जो टूटा है ग्रेन, ये भी रिसेंटली टूटा है, अभी 4-5 महीने पहले जब मैं पहले घर आया था तब खेलते हुए टूटा है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रहती है कि इसका जो इंटरनल मटेरियल है, जो अंदर से सोल और ये सब, ये इंटरनल बहुत ही हल्का होता है, तो जल्दी टूट जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो। बाकी अगर आप आउटर को देखो तो आउटर बहुत ही बेस्ट है इन शूज़ का, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल शूज़ है ये, 800 रुपये तक का ये आपको मिल जाएगा, और वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल शूज़ मैंने आज तक जो पहना है वो है, ठीक है। तो गाइस, ये जो बॉल है, इस बॉल को मैंने पूरे लॉकडाउन में, जैसे ही कुछ दिन के लिए लॉकडाउन खुला था, तो मैंने ये 650 के आसपास का लिया था, और सारी फ्री स्टाइल मैंने, मतलब ये लाइफ चेंजिंग बॉल है मेरे लिए, सारा फ्री स्टाइल मैंने इसी बॉल से सीखा है। और इसके बाद जो आपने वायरल ट्यूटोरियल्स देखे वो मैंने इसी बॉल के थ्रू बनाए हैं। हालांकि जब लगभग 6-7 महीने घर के अंदर इस बॉल से मैं खेला, और ज़्यादा हार्डकोर मैंने इसको ग्राउंड में यूज़ नहीं किया, तो इसका यहाँ से खुल गया था, ठीक है। आप इसकी हालत देख सकते हो बॉल की, हो सकता है कि मॉइस्चर में यूज़ करने की वजह से ऐसा ख़राब हुआ, तो उतना, मतलब कह सकते हो उतना स्ट्रांग नहीं था। बट हाँ, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्री स्टाइल वगैरह आपको स्ट्रांग करना है, तो निविया कंट्री अर्जेंटीना फुटबॉल है इसका नाम, और 650 के आसपास की आपको मिल जाएगी, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कंट्रोल बहुत ही इंप्रूव हुआ मेरा इस बॉल से, और साथ में इन स्टड्स के तो क्या ही कहने का, इस बेस्ट ड्यूरेबल स्टड्स हैं ये। बस इसका अपर मटेरियल थोड़ा सा फटने लगता है, बट अभी भी आप याद रखना 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, दिस स्टिल मैं इसको पहन के खेल सकता हूँ अभी भी, और मैं इसको खेलूंगा। इसका मैं आपको ग्राउंड का वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, कि मैंने आज तक कौन कौन से स्टड्स यूज़ किए हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे स्टार्टिंग में मैंने बताया था मेरे फर्स्ट स्टड्स नहीं हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने सेगा के फोटोज मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर मिलती है, साथ साथ सेगा क्लासिक्स, ठीक है, और ये वाला स्टड्स। इसके अलावा निविया एनकाउंटर है, और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे जिनका मेरे को नाम भी याद नहीं है, जो होता है ना थोड़ा थोड़ा एडिडास नाइकी प्रिंट वाले होते हैं, वैसे स्टड्स। और अगर फोटो होगी तो वो भी ऐड कर दूंगा, जब मैं स्कूल में था 6-7 क्लास में तब यूज़ किए हैं। इसके अलावा गाइस, रिसेंट आप लोग देखते ही हो, ये डोमिनेटर तो मैंने 2 बार लिया है, इसका पर्पल कलर भी लिया हुआ है मैंने। इसके अलावा एनकाउंटर मैंने आपको बता दिया, और एडिडास कोपा मैंने रिसेंटली लिया था, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ किप्स्टा। और आप मेरे को ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट मुझे स्टड्स कौन से लेने चाहिए। इसके अलावा गाइस, अगर बॉल की बात करूँ तो मैंने इससे पहले एक कॉस्को का बॉल लिया था, फोटो मेरे पास नहीं है, अगर गूगल मेरे को ऑनलाइन मिलती है, क्योंकि बहुत पुराना बॉल था वो, और 6-7 क्लास का था, मेरे पास कैमरा नहीं था, फोटो नहीं है मेरे पास उसकी, ठीक है। फिर इसके बाद लिया मैंने निविया शाइनिंग स्टार, बहुत यूज़ किया है, 1-2 बार लिया है, ठीक है। अभी इससे पहले मेरे पास शाइनिंग स्टार था, फिर मैंने ये कंट्री वाला फुटबॉल लिया, फिर मैंने वेक्टर एक्स का स्ट्रीट फुटबॉल लिया, फिर मैंने वेक्टर एक्स का एक और फुटबॉल है जिसको मैंने गिव अवे किया था, वो वाला मेरे पास पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ वो, ठीक है। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ किप्स्टा F500 फुटबॉल, यहाँ पे नहीं है अभी, मैं लेके तो आया था, ठीक है। बाकी मेरे को बताना नेक्स्ट फुटबॉल और स्टड्स मुझे कौन से लेने चाहिए। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।